हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट आर वी। तो एक और व्लॉग में आपका हार्दिक स्वागत है। तो ये है अल्पाइन की तरफ से होंडा की सीआरवी। इसके अंदर टोटल जितना भी सिस्टम लगा हुआ है वो अल्पाइन का ही लगा हुआ है। इसके अंदर आपको थ्री वे कंपोनेंट्स वगैरह मिल जाएंगे, प्लस आपको इसके अंदर डीएसपी भी अल्पाइन का मिल जाएगा, प्लस आपको एम्पलीफायर्स वगैरह सारी चीज़ें अल्पाइन की मिल जाएगी। तो जैसे जैसे धीरे वीडियो बढ़ेगी आपको सारी चीज़ को साउंड का मैं आपको सुनाऊँगा। पूरा सेटअप के बारे में मैं सीधा इनसे ओनर से ही मिल लेता हूँ कि क्या क्या चीज़ इसके अंदर लगी हुई है। तो भैया कुछ बताओगे कि क्या चीज़ है क्या है? सर, हमने इसके अंदर 12 चैनल प्रोसेसर का सेटअप दिया है। यस, 12 चैनल प्रोसेसर का सेटअप दिया विद 4 चैनल एम्प एंड मेमो। ओके, फॉर एक्स सीरीज। ठीक है, एंड फ्रंट पे हमने इसमें एक्स सीरीज कंपोनेंट अल्पाइन के जो हमारा फ्लैगशिप मॉडल था अभी तक। ठीक है, और उसके साथ पीछे को एक्सेल। ठीक है, बाकी अगर मोटा मोटा कहा जाता कि यही सारा चीजें। दिस इज आवर न्यू रेंज। ओके, जस्ट वी स्टार्टेड दिस। तो कैसे तो कुछ बताओगे इसके बारे में? ये थ्री वे डीपी सीरीज हमने लॉन्च किया है सर। ओके, इसमें टू वे भी मिलेगा और ये थ्री वे मॉडल। ठीक है, तो इसकी आरएमएस वगैरह 50 वॉट आरएमएस है सर इसका। ठीक है, बाकी दोस्तों ये सारा अल्पाइन का लगा हुआ है। इसके अंदर ये एक्स सीरीज का मोनो एम्पलीफायर है। ठीक है, एक्स सीरीज का 4 चैनल है और ये 12 चैनल प्रोसेसर है। ठीक है, हमारा जो इसके अंदर जो बेस लगा हुआ क्या इसके नीचे लगा? नो, बेस इसमें अंडर सीट यूज़। एक्टिव सब। एक्टिव सब। ओके, तो अंडर सीट क्या दिख सकते हैं अभी यहाँ पे? बिल्कुल। हाँ जी रजिंदर जी। तो दोस्तों कुछ ये है, तो ये कंपनी फिटेड स्टॉक स्टीरियो ही लगा हुआ है इसके अंदर। तो ये हमारा यूटीएक्स M08 करके आता है। ठीक है, एसडी प्लेयर, एज डीएसपी बोलते हैं इसको। नो, डीएसपी का तो कंट्रोलर ये है। ठीक है, एसडी प्लेयर है हमारा, हाई रेजोल्यूशन प्लेयर। ठीक है, ओके ओके। चलो पहले एक बार दोबारा सेटअप के बारे में सुन लेते हैं कि इसके अंदर क्या क्या लगा हुआ है। सो इसके अंदर जो सेटअप लगा हुआ है, एंटायर सेटअप है सर, हाई राइज हेड यूनिट का सेटअप है। ठीक है, अलोंग विद द एक्स सीरीज स्पीकर। ओके, एंड एक्स सीरीज के एम्पलीफायर। ओके, एम्पलीफायर दो लगे हुए हैं, एक मोनो है एक 4 चैनल है। ठीक है, इन एम्पलीफायरों को मैं डीएसपी के थ्रू ऑपरेट कर रहा हूँ, जो 12 चैनल का डीएसपी है। पीछे इसका बॉक्स रखा हुआ है पीएक्सी। ठीक है, 0850X। मैं दिखाई देता हूँ दोस्तों आपको। तो ये है जिस डीएसपी की हम बात कर रहे हैं, ये पाइनर वाला डीएसपी नहीं है दोस्तों, ये थोड़ा एक प्रोसेसर टाइप का अलग चीज आता है। यूनिक डीएसपी। हाँ, यूनिक है। इसके अंदर आपको सराउंड वगैरह इसके अंदर मिल जाएगा एवरीथिंग सर, मतलब कि जैसा पाइनर में जो हम सुनना पसंद करते हैं आजकल के जो लड़के हैं कि यहाँ एक जो आता है कॉन्सर्ट हॉल वगैरह, ये सारी, तो ये सारा चीज इसमें भी आपको मिलेगा। ओके, बाकी हमारा स्टॉक स्टीरियो से ही हमारा ये सारा रनअप हो रहा है। ये इसकी यूएसपी ये है कि सर, ये जो हमारा डीएसपी है मल्टी लेवल इनपुट है इसके अंदर। okay, आप हाई लेवल इनपुट दे सकते हो, ब्लूटूथ के थ्रू ऑपरेट कर सकते हो, आरटीयू के थ्रू, ऑक्स के थ्रू। ओके, मींस जो ऑप्शंस अवेलेबल हैं ऑटो इंडस्ट्री में सारे आप इसके साथ यूज कर सकते हो। क्या इसकी कॉस्टिंग वगैरह क्या पड़ेगी इसके? सर अभी कॉस्टिंग वगैरह अराउंड 72 है, 72,000 के अराउंड ये आप मुझे हमको पड़ जाएगा। अभी इसके ऊपर एमआरपी स्टिकर भी लगा हुआ है ऑलरेडी। ओके ओके, मैं ये चीज देख रहा हूँ सर, ये क्या चीज है ये रखा? बेसिकली एयर प्यूरीफायर है। अच्छा, ये एयर प्यूरीफायर है, मैं सोच रहा हूँ कि कुछ सिस्टम का कुछ लगा हुआ है दोस्तों इसके अंदर। तो स्टॉक यूनिट है हमारा, तो इसको और ज्यादा आउटपुट और ज्यादा बढ़िया एनहांस करने के लिए सर ने हमारा हाई राइज हेड यूनिट लगाया है, हाई राइज हेड यूनिट M08 है इसका। ओके, इसका क्या होता है कि मतलब क्या चीज है ये? बेसिकली ये जो स्टॉक यूनिट होता है सर, इसकी जो फ्रीक्वेंसी लेवल है और साउंड क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं आती। ओके, नाउ द टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो चुकी है, तो सर लोगों को ना अच्छी क्वालिटी की ऑडियो सुनने की रिक्वायरमेंट। बिल्कुल, तो उस अच्छी क्वालिटी को एनहांस करने के लिए हमने UTX M08 लगाया है। ओके, ये हाई राइज है, इसका फ्रीक्वेंसी लेवल भी बहुत हाई है सर। ओके, ये ऑप्टिकल के थ्रू भी ऑपरेट हो जाता है, हाई लेवल इनपुट के थ्रू भी हो जाता है, आरटी के थ्रू भी हो जाता है। ओके, इसके थ्रू हमने डीएसपी को ऑपरेट किया है, ये जो यहाँ पे इसका ऑप्शन। हाँ, ये जो डीएसपी का कंट्रोलर है। हाँ, ऑप्टिकल के थ्रू हमने कनेक्ट किया डीएसपी को, और डीएसपी के थ्रू हमने सारे स्पीकर और एम्पलीफायर हमने एक्टिवेट किए। ठीक है, क्या सेटअप है इसमें? और बाकी हमारे INDI ऑडियो वाले भी आए हुए हैं, तो हेलो बोल दो सर मेरे सब्सक्राइबर्स को। हेलो हेलो। तो अब चलते हैं, अब सीधा अब हम प्रैक्टिकल देखते हैं क्या क्या है। और ये बेस नॉब का है हमारा। यस, ओके। अगर कोई नॉन कॉपीराइट चलाते हैं तो बड़ा इशू रहता है यार इन साउंड में। तो सर आप अपना बेस्ट बताओ, दिखाओ क्या है इसके अंदर साउंड, क्या है मजा, वॉल्यूम तेज कर सकते हैं। Thank you.
बेस्ट। वॉल्यूम कम कर दिया। मैंने डेमो आपको दिया है, अब आ जाती बात पोस्टिंग की, क्या क्या लगा है पूरा वो डिटेलिंग में बताया है, लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जो छूट जाती हैं वो वीडियो के एंड में ही पता लगती है। तो सर आप बताओ कि क्या रहा है इसके अंदर मेन मेन फीचर, ऐसा क्या है कि जो इस गाड़ी में जो साउंड आ रहा था वही अलग ही लेवल पे जा रहा है, ऐसा क्या चीज़ था? बेसिकली सर हमने नाम हटाते हुए इसमें एक ऐसी एसटीडी प्लेयर एडवांस दिया वो मैंने देखा है, जिसके अंदर आप हाई रेजोल्यूशन फाइल्स प्ले कर सकते हैं। उसके साथ हम लोग जो उसका फ्लैगशिप मॉडल था ना एक्स ओके, उसको हमने इसके अंदर पूरा इंस्टॉल किया और इसको हमने रेडी किया अराउंड 5 से 6 महीने पहले। 5 से 6 महीने पहले गाड़ी रेडी हुई, अभी हम अपग्रेड कर रहे हैं, न्यू वर्जन आ रहे हैं। जैसे आपने देखा कि इसमें डीपी सीरीज भी हमने प्रीवियर लॉन्च कर दिया है और न्यू प्रोसेसर स्टार्ट किए, 6 चैनल 8 चैनल 12 चैनल और चीजें भी जैसे हमारे जो पायनियर के जो सेगमेंट है जिसके अंदर आप कॉन्सर्ट हॉल वगैरह सुनते, तो शायद वो इसमें की जो बात कर रहे हैं एक्चुअली इसमें 31 प्री सेटिंग था ओके, आप उसको एक्चुअलाइज कर 31 सेटिंग मुझे लग रहा है कि मेरे को एक वीडियो शूट करनी पड़ेगी सिर्फ इसके ऊपर, ताकि आप वो भी अवेयरनेस रहे कि मार्केट के अंदर क्या क्या चीज़ आ रही है। पर अल्पाइन भी कोई हम नहीं है किसी से, तो बहुत अच्छे प्रोडक्ट निकालता है अल्पाइन का, एक V12 के नाम से भी कुछ आया करता है, उसकी खूबी बहुत बड़ी है मार्केट में। तो दोस्तों सॉरी, तो मैं चाहूँगा ऑल अराउंड इस गाड़ी के अंदर कितना खर्चा आ गया, क्योंकि पोस्टिंग वरी तो करती है अगर कोई चाहता है। अगर हम प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट बात करें तो इसके अंदर जैसे उसका 50,000 का जाता है, जो मैंने आपको दिखाया था हाई रेस वो का कि अलग से जो लगाया था जी। और डीएसपी सर ये वाला जो टोकन है 72,000 का, इसके अंदर क्या कोई मार्केट डिस्काउंट वगैरह सर तरीके वो मिल जाएगा? बाकी आप बात ये हमारा पूरा सेटअप आया सर विद 50 वॉट RMS ओके, इसकी अराउंड MRP जो होगी 41,000 में, बाकी डिस्काउंटेड प्राइस में यस अवेलेबल होगा और टू वे भी अवेलेबल होगा। ओके दोस्तों, ये पूरी गाड़ी अल्पाइन के ऊपर थी, तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करें और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो मैं जरूर लाता रहूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय, सेफ ड्राइव एंड डोंट ड्रिंक ड्राइव।